डियर फ्रेंड्स इस वक्त हम सेंटेंस करेक्शन कर रहे हैं ईयर है 2006 <coughs> सॉरी ईयर 2006 है नॉर्दर्न एरिया का फे एफ -E का एग्जाम है और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए सेक्शन ऑफिसर के लिए और तहसीलदार के लिए जनरल इंग्लिश अब उसमें सेंटेंस करेक्शन है फाइव मार्क्स की लेट्स सी क्या कुछ है इसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस है आई एंजॉयड ऑल द स्वीटेस्ट एंड चार्मिंग सीनरी देखिए हमारे पास सीनरी दिस इज द नाउन इसके साथ दो एजेक्टिव हैं चार्मिंग और स्वीटेस्ट एक ही नाउन के साथ अगर मल्टीपल इजेक्टिवस हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए तो अगर हमने यूज किया ऑल द स्वीटेस्ट तो ये चार्मिंग को कर दें मोस्ट चार्मिंग एंड

स का इजाफा करेंगे कॉस्ट और ये रुपीज टेन में रुपीज दिस इज द नाउन टेन दिस इज द इजेक्टिव तो यह इजेक्टिव नाउन से पहले आया करता है काउंटिंग के लिहाज से काउंटिंग वाला इजेक्टिव जिसे हम न्यूमिरल इजेक्टिव कहते हैं डेफिनेट न्यूमिरल इजेक्टिव तो कॉस्ट टेन रुपीज नाउ योर सेंटेंस इज गुड दिस आर्टिकल कॉस्ट टेन रुपीस नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ही हैल्थ द बुक इन द बोथ हैंड्स पढ़ने में तो लग रहा है बड़ा स्मूथ है ठीक है भाई सेहतमंद सेंटेंस है नहीं यहां देखें इन द बोथ हैंड्स ये जो द यहां पर है यह दिस का मफहम दे रहा है यानी इसका तर्जमा यह बना के उसने अपने इन दो हाथों से किताब को थाम लिया यानी उसके कोई और हाथ थे तो हम कह रहे हैं उसके वो वो वाले नहीं ये वाले दो हाथ सो ये गड़बड़ हो गई ना इस आर्टिकल को सिर्फ उड़ा दें ही हेल्ड द बुक इन बोथ हैंड्स उसने दोनों हाथों में बुक को थाम लिया दैट्स इट योर सेंटेंस इज गुड नेक्स्ट देखिए हिज कंडक्ट इज सच विच आई कैनॉट फॉर गिव सच के साथ विच यूज नहीं होता ठीक है सच के साथ दैट यूज होता है दो एट टाइम्स एज भी यूज होता है मैं उस बेस पे नहीं जाता इस वक्त यहां पर सच के साथ दैट यूज होगा इस तरह का जैसा के जब हमने ये तर्जमा देना होता है तो हम कहते हैं सच दैट हिज कंडक्ट इज सच दैट आई कैन नॉट फॉरगिव रादर मुझे ठीक पढ़ना चाहिए हिज कंडक्ट इज सच दैट आई कैन नॉट फॉरगिव उसका रवैया ऐसा है कि जैसा मैं मुआफ नहीं कर सकता ओके okay, ये जाती मसाइल है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आई विल अवेल ऑफ योर परमिशन ये अवेल ऑफ जब इस्तेमाल किया जाता है तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिहाज से आएगा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के लिहाज से आई विल अवेल माई सेल्फ आईल अवेल माई सेल्फ ऑफ योर परमिशन आपकी इजाजत से मैं इस्तः हासिल करूंगा उर्दू भी ठीक आनी चाहिए अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट इसका आसान सा हल है जब आप नो सूनर यूज करते हैं तो ये जो ऑग्जिलरी है ये दो के साथ यूज किए जाते हैं अमूमन एक डिड और एक दैट है uh, इसका रूल ये होता है कि नो सूनर की सूरत में ये ऑक्सिलरी प्रो, प्रोनाउन से पहले आता है यानी हम हैड को यहां से कट करेंगे और हम कहेंगे नो सूनर हैड आई स्पोकन मैं बोला भी नहीं था और यहां पर ये कॉमा नहीं आएगा ये इल पंक्चुएशन है नो सुनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट मैं बोला भी नहीं था कि वो निकल लिया ओके नाउ योर सेंटेंस इज गुड अब आगे चलिए द सन रिजेंबल्स विद हिज फादर ये विद यहां प्रपोजिशन नहीं आनी सिंपली रिजेंबल्स ये वर्ब है और इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आएगा ये फ्रेजल वर्ब नहीं है रिजेंबल विद करके इस तरह से फ्रेजल वर्ब नहीं है रिजेंबल यहां पे सिंपली ये वर्ब इस्तेमाल होगा और उसका ऑब्जेक्ट हिज फादरबल हिज फादर गुड द प्राइज इज कंपीटेड बाय ऑल ग्रेजुएट्स अच्छा इसकी गलती पकड़ने के लिए थोड़ा सा हमें एक और सेंटेंस को देखना पड़ेगा देखिए समन नॉकड एट द डोर इसका जब आप पैसिव वाइस बनाते हैं तो आप कहते हैं द डोर इज नॉक्ड एट एक्टिव में जो नॉक uh, के साथ प्रपोजिशन लगी हुई है वो आप पैसिव में ले जाके भी आप कहते हैं द डोर इज नॉक एट यही प्रॉब्लम यहां पे है अगर आप इसका एक्टिव uh, गौर करें तो वो क्या है कि ऑल ग्रेजुएट्स कंपीट फॉर देखें कंपीट के साथ फॉर है ये फ्रेजल वर्ब है यानी फ्रेजल वर्ब हम किस चीज को कहते हैं वर्ब और जब उसके साथ कोई लाजमी एडवर्ब या प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जानी हो मखसूस मानी देने के लिए तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं सो so, जो है इसके साथ फॉर एक प्रेपोजिशन जो है वो मस्ट है तो जिस तरह समन नॉक्ड एट द डोर द डोर इज नॉक्ड एट वो प्रेपोजिशन पैसिव में भी आएगी वही प्रेपोजिशन यहां पे भी आएगी कि द प्राइज इज competed for by all graduates this sentence is correct right. so see you in the next video